Hello everyone, in this video lecture of digital system design or digital electronics, I am going to start one short video for logic families and semiconductor memories. In this video, I will cover the working of TDMOS and PLDs with examples. To start karte hain with CMOS inverter, but usse bhi pehle, what is the full form of CMOS? CMOS stand for complementary metal oxide semiconductor, and CMOS jo hota hai, that in case of CMOS, P channel and N channel both are फैब्रिकेटेड ऑन सेम सबस्ट्रेट. हम लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं. हमें एक चाहिए पी चैनल ट्रांजिस्टर, ठीक है. दिस इज पी चैनल, मींस करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक. वन एन चैनल, ठीक है. तो यहां पर बाहर की तरफ होगी बिकॉज एन चैनल है. इसको हम नाम देते हैं क्यू पी और इसको नाम देते हैं क्यू एन, ठीक है. और ये जो दोनों के ही गेट हैं, ये क्या होंगे, शॉर्ट होंगे. और इस पर क्या अप्लाई होगी, वी इनपुट, ठीक है, क्लियर है. ये हो गया. और यहां पर क्या होगा, ग्राउंड. और आउटपुट हम कहां से लेंगे, यहां से वी आउट, ठीक है. दिस इज वी डी डी. हो गया गेट. ये यहां पर क्या हो गया, सोर्स. ये यहां पर ड्रेन, ये सोर्स, ये ड्रेन, ठीक है. नाउ अब हमें क्या पता है कि दिस इज, दिस वोल्टेज इज वी जी एस एन, मीन्स की गेट टू सोर्स वोल्टेज फॉर एन चैनल. और यहां जो वोल्टेज है दैट इज वी जी एस पी, गेट टू सोर्स वोल्टेज फॉर पी चैनल, ठीक है. इन केस ऑफ एन चैनल, इफ दिस वोल्टेज इज पॉजिटिव, ठीक है, थ्रेशोल्ड, पॉजिटिव थ्रेशोल्ड पर ये एन चैनल ट्रांजिस्टर ऑन होगा. और क्यू, और क्यू पी मीन्स की पी चैनल ट्रांजिस्टर ऑन होगा नेगेटिव पे, ठीक है, क्लियर. नाउ अब वर्किंग कैसे होगी, यहां पर जो हमारा वीडीडी है, वीडीडी की रेंज जो होगी दैट कैन बी प्लस 3 टू प्लस 18, बट हम यहां क्या लेंगे, प्लस 5 वोल्ट. और लॉजिक लो, हम आइडियल केस लेंगे, लॉजिक लो की वैल्यू, मींस हम यहां पर आइडियल केस ही लेंगे, मींस लॉजिक लो और वी कैन से 0 इज इक्वल टू 0 वोल्ट होगा. लॉजिक हाई मींस 1, बाइनरी का 1 विल बी इक्वल टू वीडीडी, जो कि हम लेंगे प्लस 5 वोल्ट, ठीक है. तो ये क्या था, दिस इज लॉजिक सर्किट डायग्राम. अब अगर हम स्विच की बात करें तो हमारे स्विच कैसे होंगे, दिस वन, ठीक है. ये हमारे यहां पे इनपुट अप्लाई होगी ना, तो ये हमारी वी इनपुट, ठीक. यहां से हम लेंगे वी आउट, ये होगा वी डी डी एंड ये होगा ग्राउंड, ठीक है. तो मैं स्विच बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन, हम इनके थोड़े से वोल्टेज कैलकुलेशन कर लेते हैं. जो हमारी वी जी एस पी है, मीन्स की गेट टू सोर्स वोल्टेज फॉर पी चैनल, दैट विल बी इक्वल टू वी जी माइनस वी एस. वी जी जो होगा वो क्या होगा, वी इनपुट, ठीक है, माइनस वी एस पे क्या अप्लाई हो रहा है, सोर्स पे इसके वी डी डी, ठीक है. तो ये वोल्टेज होगी. और फॉर दिस मीन्स की वी जी एस एन, एन चैनल का जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होगा दैट इज वी जी माइनस वी एस. इसका सोर्स कनेक्टेड है किससे, ग्राउंड से. तो और वी जी किससे कनेक्टेड है, वी इनपुट से. तो वी इनपुट माइनस 0 इज इक्वल टू वी इनपुट, डन हो गया. केस वन, केस वन के लिए लेट वी इनपुट इज इक्वल टू 0 वोल्ट. अगर हमने यहां 0 वोल्ट अप्लाई किया तो उस केस में क्या होगा, वी जी एस पी की वैल्यू क्या होगी, यहां 0 अप्लाई किया तो 0 माइनस वी डी डी हमें क्या मिलेगा, माइनस वी डी डी मीन्स निगेटिव. तो ये निगेटिव पे ही ऑन होता है, तो क्यू पी विल बी ऑन, डन, क्लियर है. एंड इसके केस में क्या होगा, दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए वी जी एस एन विल बी इक्वल टू वी इनपुट मीन्स 0 वोल्ट. तो ट्रांजिस्टर जो एन चैनल का है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा. जब ये ऑफ हो जाएगा तो व्हाट इज द सर्किट, सर्किट कैसे हो जाएगा, ये वाला स्विच क्लोज हो गया क्यूपी का, ठीक है. एंड जो क्यू एन है ये ओपन रहेगा, ग्राउंड रहेगा. यहाँ वी आउट है और ये वी डी डी है. तो हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, वी आउट विल बी इक्वल टू वी डी डी, ठीक है. तो नाउ अगर हम इसकी टेबल बनाते हैं तो कैसे हो जाएगा, वी इनपुट यहां पर लिखते हैं क्यूपी, क्यू एन एंड वी आउट, ठीक है. इफ वी इनपुट इज 0, क्यूपी क्या होगा, ऑन होगा, क्यू एन क्या होगा, ऑफ होगा. और आउटपुट पर हमें क्या मिल रहा है, वी डी डी मीन्स लॉजिक 1, ठीक है. ये केस 1 के लिए हो गया. नाउ केस 2 देखते हैं, केस 2 के केस में क्या होगा. अब हमने क्या किया, लेट वी इनपुट एट हाई, वी इनपुट की वैल्यू क्या ले ली हमने, हाई लॉजिक 1 मीन्स की ये इक्वल टू क्या होगी, वी डी डी. अगर ये वी डी डी होगी तो वी जी एस पी क्या होगी, गेट टू सोर्स वोल्टेज फॉर पी चैनल क्या हो जाएगा, वी इनपुट माइनस वी डी डी मीन्स वी डी डी माइनस वी डी डी इज इक्वल टू 0. तो हमारा पी चैनल का ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा, ठीक है. ये कट ऑफ में जाएगा और इधर क्या होगा, वी जी एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इनपुट के बराबर,
मीन्स वीडीडी, तो ये हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर क्यू एन होगा ये हमारा हो जाएगा ऑन, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने दिया वन, दिस विल बी ऑफ, दिस विल बी ऑन। नाउ स्विच की पोजीशंस क्या होंगी, इस केस में ये ओपन, ये क्लोज और कनेक्टेड विथ ग्राउंड, वी आउट यहां पर है और यहां वीडीडी है। ठीक है, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ग्राउंड वोल्टेज मींस जीरो वोल्ट। यहां हमें क्या मिलेगा, जीरो वोल्ट मींस जब हमने जीरो अप्लाई किया हमें लॉजिक हाई मिला, वन अप्लाई किया लॉजिक जीरो मिला। तो ये हो गई वर्किंग ऑफ सीमॉस इन्वर्टर। हमें दोनों केसेस बताने होंगे, स्विचेस की पोजीशंस बतानी होंगी। नाउ वन मोर थिंग कि दिस ट्रांजिस्टर क्यू एन नोन एज ड्राइवर और क्यू पी वर्क एज अ लोड ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ऑपरेशन कि ये इन्वर्टर की तरह कैसे वर्क कर रहा है। आप बहुत सिंपल लिखना चाहते हो तो आप वोल्टेज का नहीं भी लिखोगे चलेगा, सिंपल ये याद रखना कि क्यू पी ऑन होगा जीरो पर और क्यू एन ऑन होगा वन पर। ठीक है, तो अगर हमने जीरो अप्लाई किया तो दिस विल बी ऑन, दिस विल बी ऑफ और आउटपुट पर हमें हाई मिलेगा। अगर हमने वन अप्लाई किया तो क्यू पी ऑफ होगा, क्यू एन ऑन होगा और आउटपुट पर हमें लो मिलेगा। ठीक है, वैसे मैं कहूंगी आप केस के साथ विथ डायग्राम एक्सप्लेन करें, दैट इज मच बेटर। नाउ अब हम इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, जब भी हम वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं तो हम जो ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ करते हैं बिटवीन वी आउट एंड वी इनपुट, मींस की आउटपुट वोल्टेज एंड वी इनपुट वोल्टेज के लिए। ठीक है, नाउ अब इस पे हम थोड़ी सी पहले वोल्टेजेस देख लेते हैं। लेट दिस इज जीरो, यहां पर हमने इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू वीडीडी ले ली। अगर ये वीडीडी है तो ये क्या होगी, वीडीडी बाई टू लेंगे इसको। ठीक है, वीडीडी बाई टू लेंगे। सेम वे यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, वी आउटपुट लो, जब आउटपुट की सबसे लोएस्ट वैल्यू हो ये होगा हमारा वी ओ एच हाईएस्ट वैल्यू, और ये वैल्यू इक्वल होगी वीडीडी के। ठीक है, क्योंकि लॉजिक वन होगा या लॉजिक जीरो होगा, लॉजिक जीरो के लिए वी ओ एल और लॉजिक हाई के लिए, लॉजिक वन के लिए वीडीडी। दिस वैल्यू इज वी डी डी बाई टू, क्योंकि एकदम सेंटर में है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर दिस इज थ्रेशोल्ड वैल्यू, दिस इज थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे पास यही दो रीजन है तो ऑब्वियसली दिस इज थ्रेशोल्ड वैल्यू, इनका एवरेज है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होती है दिस इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट। अब उसको हम वन बाई वन करेंगे, इन दो पॉइंट और लेते हैं। ये हो जाएगा वी आई एल, वी आई एल क्या होगा, बेसिकली मैक्सिमम लोएस्ट वोल्टेज, और यहां पर हम लेते हैं वी आई एच मिनिमम हाईएस्ट इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया हमारा वी एच। पर हमने ये पॉइंट लिया वी टी, दिस इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर एन चैनल। ठीक है, मीन्स की टिल दिस, इससे अगर वैल्यू कम होगी तो हमारा एन जो होगा वो ऑफ होगा। ठीक है, टिल दिस हमारा क्यू एन विल बी ऑफ, क्यू एन ऑफ होगा। ठीक है, नाउ सेम वे यहां पर जो थ्रेशोल्ड, ये पॉइंट है, दिस इज वी डी डी माइनस वी टी। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये पी चैनल का थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया। मींस इससे अगर ज्यादा वैल्यू है तो हमारा जो पी ट्रांजिस्टर होगा वो ऑफ होगा। तो दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक हमारा क्या ऑफ होगा, यहां पर क्यू पी ऑफ होगा। ठीक है, नाउ अब यहां पर एक पॉइंट होगा वीडीडी बाई टू एट दिस पॉइंट, एग्जैक्टली इस पर ये दोनों हमारे वर्टिकल होंगे, मींस कि दोनों ही सेचुरेशन में होंगे। किसमें होंगे, सेचुरेशन में होंगे। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो यहां पर हमारा वर्टिकल होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारे ठीक है, क्लियर है। तो अब ये देखो, ये जो पॉइंट है मींस कि ये जो रीजन है, यहां पर हमारा क्यू एन सेचुरेशन में, ठीक है, क्यू पी भी सेचुरेशन में होगा, मींस कि दोनों ही इस टाइम पर ऑन होंगे। क्लियर है, नाउ यहां पर क्यू पी ऑफ होगा तो क्यू एन क्या होगा, ऑन होगा। इस रीजन में क्यू एन ऑफ है तो क्यू पी क्या होगा, ऑन होगा। ये रीजन कहां तक का है, दिस पॉइंट तक का। ठीक है, नाउ अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या होगा, ये वी टी से ज्यादा हो गया, मींस कि थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एन चैनल से ज्यादा हो गया, मींस कि एट दिस पॉइंट क्यू एन जो होगा वो सेचुरेशन में होगा और क्यू पी जो होगा वो आप कह सकते हो ट्रायोड रीजन या लीनियर रीजन में होगा। ये लीनियर रीजन। सेम वे यहां पर, अब यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्यू पी सेचुरेशन में होगा एंड क्यू एन जो है वो लीनियर रीजन में होगा। तो जब आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बतानी होगी तो आपको ये पूरा बताना होगा। ये थोड़ा सा स्मूथ बना दे। ये देखिए आप कहां पर है, एग्जैक्टली वर्टिकल इस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या है, वीडीडी बाई टू माइनस वीटी, और यहां पर क्या है, वीडीडी प्लस वीटी बाई टू। ये ठीक है, तो इस पोर्शन के लिए, इस वर्टिकल पोर्शन के लिए दोनों ही सेचुरेशन में है, मींस कि दोनों ही ऑन होंगे। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। नाउ अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं सीमॉस नैंड।
मोस नैंड गेट, सीमोस नैंड गेट है, मींस कि इसमें दो इनपुट भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, हम दो इनपुट के लिए करेंगे और इसमें पी चैनल भी होगा, एन चैनल भी होगा। पी चैनल मॉस जो होंगे वो पैरेलल में होंगे और एन चैनल मॉस जो होंगे वो सीरीज में होंगे, नॉर में जस्ट अपोजिट होगा। तो एक किसी को याद रखना है, दोनों याद हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं सबसे पहले पी को, पी हमारा क्या होगा, दोनों पी हमारे पैरेलल में होंगे, तो हमने ये टू पी बनाए, ठीक है। इनके जो सोर्स होंगे वो एक दूसरे से शॉर्ट होंगे और इस पर यहाँ पर वीडीडी, ठीक है, 5 वोल्ट की, और इनके दोनों ड्रेन होंगे वो भी एक दूसरे से शॉर्ट होंगे, ठीक है, पी चैनल था, दैट्स वाई ये होगा, ठीक है। नाउ एन चैनल जो होंगे वो दोनों ही सीरीज में होंगे, ठीक है। यहां पर सोर्स किससे कनेक्टेड होगा, ग्राउंड से। आउटपुट कहां से लेंगे हम, वी आउट यहां से। नाउ ये एन था, मींस आउटसाइड को होगा। अब कनेक्शन कैसे होगा, देखो ए हम अप्लाई करेंगे, टर्मिनल ए हमने इसको ले लिया, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया वी ए, ठीक है। नाउ अब हम इन दोनों के लिए कर देते हैं कनेक्शन, मैंने अलग कलर यूज कर लिया है सो दैट की कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा हो गया वी बी, डन, क्लियर हो गया, ये हमारे कनेक्शन हो गए। अब हम इनकी वर्किंग देखते हैं। अब इसमें हमारे 4 केसेस बनेंगे बिकॉज 2 इनपुट्स हैं। अब 2 इनपुट के 4 केसेस कैसे होंगे, लेट यहां पे बनाते हैं। हम यहां लेते हैं वी ए वी बी, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं क्यू ए पी, इसको नाम देते हैं क्यू बी पी, ठीक है, कि ये हो गया बी इनपुट के लिए पी चैनल और ये ए इनपुट के लिए पी चैनल। ये हो जाएगा सेम वे, ये बी के साथ कनेक्टेड है, मींस बी एन, और ये हो जाएगा क्यू बी पी, ठीक है। तो हम ट्रांजिस्टर्स ले लेते हैं, क्यू ए पी, क्यू बी पी, क्यू ए एन, क्यू बी एन और वी आउट, ठीक है। नाउ फर्स्ट केस लेते हैं जब दोनों को जीरो दिया। अगर हमने दोनों को जीरो दिया तो वी ऑल नो पहले वाले केस में देखा था कि पी चैनल हमारा क्या हो जाएगा, पी मॉस्फेट क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, मींस ये ऑन, ये ऑन। एन चैनल मॉस्फेट क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, मींस ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ठीक है। तो नाउ अगर हम इसका स्विच सॉकेट बनाए तो स्विच वाला सॉकेट हमारा कैसा हो जाएगा इस केस में, केस वन में वीडीडी कनेक्टेड है, ये स्विच क्लोज, ये स्विच क्लोज, यहां पर स्विच ओपन, यहां पर स्विच ओपन, ग्राउंड, ठीक है। तो नाउ वी आउट कैसे हमें मिलेगी, यहां से ये पूरी, ठीक है, मींस हमें यहां मिल जाएगा वी डी डी, डन है। ये हो गया केस वन, ठीक है। नाउ केस टू लेते हैं, 0 1 दिया, ए पर हमने 0 दिया है तो इसका पी ऑन होगा और एन क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। अब बी पर हमने 1 दिया है तो इसका पी क्या होगा, ऑफ होगा और एन जो होगा वो ऑन होगा। नाउ अब इसके आउटपुट देखते हैं, केस टू, ये कब है, जब वी ए इज इक्वल टू हमने अप्लाई किया 0 और वी बी इज इक्वल टू हमने अप्लाई किया 1, मींस की ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, बी बी मतलब की प्लस 5 वोल्ट है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी ऑन, ये ऑन होगा, ठीक है, ये ऑफ होगा नाउ, ठीक है। अब ये हमारा बी का ट्रांजिस्टर था तो बी का देखो आप क्या लिखा हुआ है, ऑन लिखा है तो ये शॉर्ट होगा, बट ए का ये ऑफ है, मींस ये ग्राउंड होगा, ठीक है। अब आउटपुट यहां पे वी आउट लेते हैं हम, ठीक है, यहां हमारी वीडीडी है, ठीक है। तो पाथ कैसे बनेगा, ग्राउंड से तो कनेक्शन हट गया तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगी, ये जो वीडीडी है वो इसके थ्रू हमें यहां पर मिलेगी, मींस कि आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, वीडीडी, ठीक है। सेम वे अब हम अगर केस थ्री देखें, वी ए इज इक्वल टू लॉजिक 1 मींस प्लस 5 वोल्ट और वीडीडी, और वी बी इज इक्वल टू 0, उस केस में क्या होगा, यहां 1 है, यहां 0 है, 1 वी ए पे है, मींस इसका पी क्या होगा, ऑफ होगा और एन इसका ऑन होगा, बी पर 0 है, मींस ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा, ठीक है। नाउ सर्किट कैसे हो जाएगा, ए का पी ऑफ है मींस ओपन सर्किट, बी का पी ऑन है मींस क्लोज स्विच, ये दोनों यहां शॉर्ट है, यहां हमारा वी आउट है और ये हमारी वी डी डी कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ ये तो ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, वीबीएन हमारा यहाँ पे क्या है, ऑफ है, मींस यहाँ ओपन होगा और यहाँ पर शॉर्ट होगा, ठीक है। बट ये ओपन है तो ग्राउंड से कनेक्शन रिमूव हो गया, तो नाउ आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, ये वीडीडी जो हमें पूरी की पूरी आउटपुट पे मिल जाएगी, तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगी, वीडीडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट केस देखते हैं, अगर दोनों ही 1 है तो दोनों के ही पी क्या होंगे, ऑफ होंगे, और दोनों के ही एन जो है वो क्या होंगे, ऑन होंगे, ठीक है। तो नाउ सर्किट कैसा होगा, केस 4 यहां बनाते हैं, केस 4, इसके केस में वीडीडी, पी के दोनों ही स्विचेस ऑफ है, दोनों ही ट्रांजिस्टर ऑफ है, मींस कि ये दोनों ही ट्रांजिस्टर ऑफ है, मींस कि ये ओपन होंगे, ये दोनों ही ऑन है तो ये हमारे क्या होंगे, क्लोज स्विचेस होंगे और ग्राउंड होगा, यहां हमें वी आउट मिलनी है, ठीक है। नाउ अब देखो वीडीडी से कनेक्शन इसका रिमूव हो गया तो हमें आउटपुट पे कहां से मिलेगा, ग्राउंड वाली वोल्टेज मींस दिस वन, तो यहां हमें क्या मिलेगा, 0,
जीरो, ठीक है। तो नाउ अगर ट्रुथ टेबल देखें आप, जीरो जीरो पर हमें क्या मिल रहा है, वीडीडी मींस हाई, जीरो वन पे हमें वीडीडी मिल रहा है मींस हाई, वन जीरो पर हमें वीडीडी मिल रहा है मींस हाई, वन वन पे हमें जीरो मिल रहा है मींस की लो। तो ये ट्रुथ टेबल किसकी है, नैंड गेट की। तो दिस इज द वर्किंग और ऑपरेशन ऑफ सीमॉस नैंड गेट। नॉर करने जा रहे हैं, नैंड में हमारा पी पैरेलल में था तो यहां पर क्या होगा वो सीरीज में, यहां हमने पहले लिखी वीडीडी सीरीज में है मींस वन पी सेकेंड पी, और एन हमारे किसमें होंगे पैरेलल में, यहां क्या लेंगे हम वी आउट, ठीक है। ये हमारा एन चैनल है, ठीक है। अब हम इनके कनेक्शंस कर लेते हैं। लेट ए हम अप्लाई कर देते हैं आउटर वालों को, वी ए लिखें या ए लिख दें हम, ये हमने अप्लाई किया वी ए, ठीक है। इनर वाले को हम अप्लाई कर देते हैं वी बी मीन्स की बी इनपुट बना देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया वी बी, ठीक है ना। अब हम इसकी का टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, वी ए वी बी, लेट दिस इज क्यू ए पी, दिस इज क्यू बी पी, दिस इज क्यू ए एन, दिस इज क्यू बी एन। B मीन्स ट्रांजिस्टर B है, इनपुट B है और चैनल N है, ठीक है, N चैनल MOSFET है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू ए पी क्यू बी पी क्यू ए एन क्यू बी एन और V out, ठीक है। नाउ ये जो ए बी की बात करें, बेसिकली इनपुट A एंड B है, इसके फोर कॉम्बिनेशन 00 01 11 10, ठीक है। नाउ वी ऑल नो, अगेन मैं बोल रही हूँ कि P चैनल पर अगर 0 अप्लाई होता है तो ऑन होता है और N हमारा 1 पे ऑन होता है, ठीक है। तो नाउ अगर हमने 00 अप्लाई किया तो ये ऑन होगा, ये भी ऑन होगा, ये दोनों ही ऑफ होंगे, तो आउटपुट क्या होगी, सर्किट बना के देखते हैं। इसका स्विचिंग सर्किट बनाएंगे तो केस वन के लिए, ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा वीडीडी, ठीक है, ट्रांजिस्टर क्यू ए ऑन है, क्यू बी भी ऑन है, ये क्या है क्यू ए पी ऑन है, क्यू बी पी भी ऑन है। अब जो हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं ये दोनों ही ऑफ हैं, एन वाले दोनों ही ऑफ हैं और ये ग्राउंड पे है। यहाँ हमारी क्या आएगी वी आउट, तो हमें वी आउट पर क्या मिलेगा, ये दोनों ही स्विच क्लोज हैं तो वीडीडी पूरे की पूरी हमें यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। मींस कि हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, वीडीडी मींस लॉजिक वन, ठीक है। नाउ केस टू देखते हैं, तो जहां जीरो है उसका पी चैनल ऑन होगा, एन चैनल ऑफ होगा, जहां वन है उसका पी चैनल ऑफ होगा और एन चैनल ऑन होगा, ठीक है। तो नाउ डायग्राम करते हैं केस टू के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑन क्या है, क्यू ए ऑन है मींस यहाँ पे वीडीडी, ये है क्यू ए पी, ये ऑन होगा, दूसरा मींस की क्यू बी पी ऑफ होगा, इधर क्या होगा क्यू ए एन ऑफ होगा, है ना, क्यू ए एन ऑफ होगा, यहां पर क्या होगा क्यू क्यू बी एन ऑन होगा मींस क्लोज होगा और यहां ग्राउंड है, यहां हमें वी आउट मिलती है। तो वी आउट यहां से तो पाथ वीडीडी से कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, अब हमारा जो आउटपुट है वो ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया, तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा जीरो, ग्राउंड मींस जीरो, ठीक है। नाउ अब हम गेन वी ए पर वन है मींस ये ऑफ, इसका एन ऑन होगा, बी पर जीरो है मींस पी इसका ऑन होगा और एन इसका ऑफ होगा, ठीक है। नाउ अगर अब हम डायग्राम की बात करें केस थ्री में, तो क्या होगा वीडीडी तो है ही, अब इसका वी क्यू ए पी ऑफ है तो ओपन होगा, क्यू बी पी ऑन है मींस क्लोज स्विच होगा। नाउ यहां पे देखें तो ये हमारा क्लोज स्विच होगा और ये हमारा ओपन स्विच होगा, ठीक है, और यहां हमारा ग्राउंड है वी आउट, ठीक है। अब ये देखो वीडीडी का वी आउट से कनेक्शन ब्रेक हो गया, किससे ये कनेक्टेड है, ग्राउंड से, तो इस पर हमें क्या मिलेगी जीरो, डन हो गया आउटपुट पर। नाउ वन वन के केस में दोनों के ही पी क्या होंगे, ऑफ होंगे, दोनों के ही एन क्या होंगे, ऑन होंगे, ठीक है, ठीक है। तो नाउ डायग्राम क्या होगा केस फोर के लिए, वीडीडी मींस की पी चैनल के दोनों ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होंगे, यहां हमें क्या मिलती है वी आउट मिलती है, और जो पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों ही ट्रांजिस्टर हमारे ऑन होंगे मींस की स्विच क्लोज होंगे, और यहां हमारी क्या है ग्राउंड है, मींस की वी आउट किससे कनेक्टेड हो गई, ग्राउंड से, तो आउटपुट पर अगेन हमें क्या मिलेगा जीरो जीरो, ठीक है। तो नाउ अगर आप ऑब्जर्व करो इन दो कॉलम्स को और लास्ट कॉलम को, तो जीरो जीरो पर हाई और जीरो वन पे लो, वन जीरो पे लो, वन वन पे लो, तो दिस इज द टेबल, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट, मींस की दिस इज सीमॉस, दिस इज द वर्किंग ऑफ सीमॉस नॉर ऑपरेशन। आपको ये चारों स्विचेस की कंडीशन को शो करना पड़ेगा और इस टेबल को, डिफरेंस बिटवीन PLA, PAL या किसी का भी डिफरेंस आ सकता है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक। वन मोर थिंग, इन केस ऑफ PLDs हम इनपुट पर एंड एरे यूज करते हैं एंड आउटपुट पर हम और एरे यूज करते हैं, ठीक। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं इन्हें,
ओके नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि इन केस ऑफ PLA इनपुट पर एंड एरे और आउटपुट पर जो और एरे होते हैं बोथ प्रोग्रामेबल होते हैं। ठीक, वाइल इन केस ऑफ PAL सिर्फ और सिर्फ एंड एरे प्रोग्रामेबल होता है, मींस इनपुट वाइल आउटपुट और एरे इज फिक्स्ड। क्लियर है? ठीक, नाउ इन केस ऑफ PROM इसका अपोजिट होगा, मींस इनपुट एंड एरे इज फिक्स्ड एंड आउटपुट और एरे इज प्रोग्रामेबल। ठीक, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। अब हमें ये याद कैसे रहे, तो देखो L है यहाँ पर, मींस बोथ लॉजिकल है, एंड और बोथ प्रोग्रामेबल। यहाँ A है तो सिर्फ और सिर्फ एंड प्रोग्रामेबल होगा और फिक्स होगा। यहाँ RO है, इसको उल्टा कर दो और मींस और प्रोग्रामेबल होगा और एंड फिक्स होगा। ये मैंने याद करने का तरीका बताया, इनके साथ भूल जाते हो। नाउ इसको हमें ब्लॉक डायग्राम से भी बता सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर PLA। नाउ फॉर PAL किसके लिए हो गया, ये हमारा PAL के लिए, एंड इज प्रोग्रामेबल और इज फिक्स्ड। ठीक है, इन केस ऑफ PROM फिक्स्ड एंड एरे प्रोग्रामेबल और एरे। ठीक है, तो दीज आर द ब्लॉक डायग्राम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन केस ऑफ PLA एनी स्वैप फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड। ठीक है, इसके केस में क्या होगा, एनी सेम वे इन केस ऑफ PAL यहां पर भी इंप्लीमेंटेड है, मींस सेम हो जाएगा। बट इन केस ऑफ PROM जब भी हम स्वैप फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे तो दैट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। इन केस ऑफ PLA ये हमारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हमारे दोनों ही साइड पर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। PAL इन कंपैरिजन टू PLA लेस एक्सपेंसिव लेस कॉम्प्लिकेटेड, मींस दिस इज मॉडरेटेड। ये क्या होगा इन कंपैरिजन टू दीज, ये सबसे चीप होगा, तो इट इज चीप एंड इजी टू यूज। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेज बिटवीन PLA, PAL, PROM। नाउ आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन देर इज टू फंक्शन और इन दोनों फंक्शंस को हम PLA से भी करेंगे, PAL से भी करेंगे, PROM से। बेसिकली एक ही क्वेश्चन को हम तीनों से इंप्लीमेंट करेंगे सो दैट कि हमें डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, उस और इसी प्रोसीजर से आप किसी भी फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विद PLA। तो PLA के केस में हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, सॉप के फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ हमारा बुलियन फंक्शन दे रखा है तो पहले हम के मैप सॉल्व करेंगे और हमें सॉप का फंक्शन चाहिए होगा। ठीक, तो सबसे पहला के मैप फॉर F1, देयर इज थ्री वेरिएबल्स, मींस की थ्री वेरिएबल के मैप। एट दिस एक्सिस आई हैव टेकन A, एट दिस एक्सिस B, C। यहाँ क्या होगा, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। नाउ 0 1 मीन्स 0 1 3 3 then 4। ठीक, नाउ अब हमें इसे सिंप्लीफाई करने हैं तो इसके पेयर्स बनाने होंगे। फर्स्ट पेयर मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है, एंड सेकेंड पेयर ये दिख रहा है। ठीक है, आपको थर्ड पेयर भी दिख रहा है बट इसके कवर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑल मीन टर्म्स आर कवर। अगर मीन टर्म्स कवर नहीं होते हैं तो हमें रिक्वायर होती है, बट यहाँ पे ऑल मीन टर्म्स टू पेयर्स में ही कवर्ड हो गए सो दैट हम कोई और पेयर नहीं बनाएंगे। ठीक, नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन F1 फॉर दिस, एक ही कॉलम यूज हुआ, ये दोनों रो यूज हो गई तो कॉलम की वैल्यू आएगी। कॉलम से क्या है, बी एंड सी बोथ जीरो है, तो दिस विल बी बी बार सी बार प्लस। नाउ फॉर दिस
रो ए की यूज हुई, दिस वन ए की वैल्यू जीरो है, मींस ए बार यहां पर कॉमन क्या है वन, और वो वन किसका है सी का, मींस सी वन था, दैट्स वाई सी। तो ये हमें फंक्शन मिल गया किसका, एफ वन का। द सेकेंड के मैप फॉर एफ टू, अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। इसके पेयर बनाते हैं, फर्स्ट पेयर मुझे ये दिखा, ठीक है। तो फॉर दिस एफ टू इज इक्वल टू, ये रो यूज हुई और ए की वैल्यू क्या है वन, तो ए इन दोनों कॉलम से जीरो कॉमन है और वो जीरो बी का है, तो बी बार प्लस दिस पेयर, इस पेयर के लिए ये रो यूज हुई, मीन्स ए बार यहां से वन कॉमन है बी का, तो बी प्लस, नाउ दिस मीन टर्म इज लेफ्ट, तो हम इसको इसके साथ पेयर अप कर सकते हैं या तो इसके साथ पेयर अप कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में सही होगा बट किसी एक से करेंगे। तो मैंने इसको इसके साथ पेयर अप किया, इसके साथ पेयर अप किया तो ये रो यूज हुई, मीन्स ए बार एंड यहां से वन कॉमन है सी का, तो दिस इज सी, तो दिस इज एफ टू। ये फंक्शन के फॉर्म में मिल गया। नाउ अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ये दोनों ही फंक्शन हमें अभी के मैप से मिले थे। नाउ अब हमें इसको पी एल ए से इंप्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी इंप्लीमेंटेशन टेबल। सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट टर्म्स होंगे इनपुट्स, वो इनपुट क्या है ए बी सी, देन होंगे आउटपुट, आउटपुट हमारे पास टू है एफ वन एंड एफ टू, ठीक है। अब प्रोडक्ट टर्म देखते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म दिस वन, मींस बी बार सी बार, ए एब्सेंट है इसलिए डैश, बी बार है दैट्स वाई जीरो, सी बार है दैट्स वाई जीरो, और ये एफ वन में अवेलेबल है इसलिए वन, एफ टू में एब्सेंट है दैट्स वाई डैश। नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म इज ए बार सी, ठीक है, ए बार है दैट्स वाई ए की वैल्यू जीरो, बी इज मिसिंग दैट्स वाई डैश, सी की वैल्यू क्या होगी वन बिकॉज सी विदाउट बार है, दिस टर्म इज अवेलेबल इन एफ वन एज वेल एज एफ टू, तो यहां पर भी वन होगा और यहां पर भी वन होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म इज ए बी बार, फॉर दिस ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो, सी इज मिसिंग दैट्स वाई डैश, अब ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एफ टू में है तो यहाँ डैश होगा, यहाँ वन होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म इज ए बार बी, ए बार बी, ए बार है दैट्स वाई जीरो, बी है मीन्स वन, सी इज मिसिंग, नाउ दिस टर्म इज अवेलेबल इन एफ टू ओनली, तो एफ टू वन होगा और एफ वन में डैश होगा, ए बार सी आई हैव ऑलरेडी रिटन, ठीक है, तो उसकी हमें रीराइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अब इससे क्या क्लियर हो गया, हमारे इनपुट्स कितने हैं थ्री, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं थ्री क्रॉस फोर क्रॉस टू पी एल ए, इस थ्री का मीन्स है कि दिस इज द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, फोर प्रोडक्ट टर्म एंड टू आउटपुट्स, क्लियर है, थ्री इनपुट्स फोर प्रोडक्ट टर्म्स टू आउटपुट मीन्स टू ऑर गेट, ठीक। नाउ अब हम करते हैं थ्री इनपुट्स ए बी सी, दिस बार फॉर ए नॉट गेट को अप्लाई किया ए बार, बी नॉट गेट को अप्लाई किया बी बार, सी नॉट गेट को अप्लाई किया सी बार, ठीक है। नाउ हाउ मेनी प्रोडक्ट टर्म्स, वन टू थ्री फोर, मीन्स फोर एंड गेट, ठीक है। नाउ ये हमारे वायर्ड होते हैं, ठीक है, पहले हम एंड की मैट्रिक्स और एंड एरे को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म है बी बार सी बार, मीन्स बी बार एंड सी बार, अब आपको याद कैसे रहे, तो आप यहां तो चाहो तो आउटपुट पर लिख दो बी बार सी बार। नेक्स्ट इज ए बार सी, दिस लाइन फॉर ए बार, दिस लाइन फॉर सी, ये क्या हो गया ए बार सी, फिर क्या है ए बी बार, ए बी बार, दिस इज फॉर ए बी बार, नेक्स्ट इज ए बार बी, दिस इज फॉर ए बार एंड बी, तो ये क्या हो गया ए बार बी, ठीक। नाउ अब और एरे बनाते हैं आउटपुट पर, ठीक है, कितने फंक्शन है एफ वन एफ टू, तो टू और गेट, वन फॉर एफ वन, सेकेंड फॉर एफ टू, ठीक है। नाउ यहां क्या है वन वन, मीन्स की बी बार सी बार पर ये वन होगा, नो कनेक्शन, ए बार सी के लिए दोनों पर ही वन वन है, मीन्स यहां पर भी फ्यूज को कनेक्ट करेंगे, ए बी बार के केस में सिर्फ एफ टू से है, मीन्स यहां होगा, ए बार बी सिर्फ और सिर्फ एफ टू से है, मीन्स यहां होगा, ठीक है। द पी एल ए इंप्लीमेंटेशन, नाउ अब हम करते हैं सेम को फॉर पी ए एल, मीन्स प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, ठीक है, इसकी इंप्लीमेंटेशन टेबल। नाउ अब हम प्रोडक्ट टर्म इनपुट्स आउटपुट, ठीक है, इनपुट है ए बी सी, ठीक है, इसके केस में क्या है कि हम इंडिविजुअल फंक्शन के आउटपुट लेते हैं, मीन्स एफ वन के लिए पहला प्रोडक्ट टर्म क्या है बी बार सी बार, दूसरा क्या है ए बार सी, ठीक है, ये किसके लिए है एफ वन के लिए। नाउ व्हाट इज द वैल्यूज,
वी बार सी बार मीन्स डैश जीरो जीरो, ए बार सी मीन्स जीरो डैश वन, ये हो गया एफ वन के लिए. नाउ एफ टू के लिए वन टू थ्री प्रोडक्ट टर्म्स है. फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म इज ए बी बार मीन्स वन जीरो डैश, सेकेंड इज ए बार बी मीन्स जीरो वन डैश, थर्ड इज ए बार सी मीन्स जीरो डैश वन, और ये क्या हो गया फॉर एफ टू. ठीक, इंप्लीमेंट करते हैं. तो इनपुट पर थ्री वेरिएबल थे, तो ए बी सी थ्री इनपुट्स, ए नॉट गेट के साथ ए बार, बी बी बार, सी. ठीक है, नाउ अब हमें वो टर्म देखना है जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म है वन टू थ्री, मींस कि ईच फंक्शन के साथ थ्री एंड गेट लगेंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री. ठीक है, ये तीनों ही किसके लिए इनपुट होंगे फॉर एफ वन. ठीक है, ये किसके लिए होंगे फॉर एफ टू. ठीक है, बट एफ वन के केस में सिर्फ दो यूजर हैं, तो थर्ड वाला क्या होगा क्रॉस, मींस कि दिस इज नॉट यूज्ड, ये हमारे वायर्ड हैं. ठीक है, नाउ अब हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म है फॉर एफ वन दैट इज बी बार सी बार, बी बार सी बार, सेकेंड इज ए बार सी, ठीक है, ये एफ वन का डन हो गया. नाउ इसके केस में फर्स्ट टर्म इज ए बी बार मीन्स ए बी बार, सेकेंड टर्म इज ए बार बी, ए बार बी, थर्ड टर्म इज ए बार सी. ठीक है, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेम फंक्शन यूजिंग पी ए एल. ठीक है, तो हम किसी को भी कर सकते हैं. नाउ अब हम सेम क्वेश्चन को करते हैं यूजिंग पी रोम. जब हमें पी रोम से करना होता है तो हमें सारे मीन टर्म्स चाहिए होते हैं. ठीक है, सारे के सारे मीन्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए होता है. ठीक, तो हमें इसमें केमैप की जरूरत नहीं होती. अभी हमने जब करना है तो हम इनपुट साइड पे यूज करेंगे डिकोडर. अब डिकोडर कौन सा यूज होगा, यहाँ पर वन टू थ्री इनपुट्स हैं, मीन्स थ्री इज टू एट डिकोडर, थ्री क्रॉस एट डिकोडर, इसकी थ्री इनपुट्स ए बी एंड सी, एट आउटपुट्स, लेट वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स, वाई सेवन. आप जीरो वन टू थ्री भी लिख सकते हो. ठीक है, ठीक है, देयर इज टू फंक्शन एफ वन एफ टू, मीन्स आउटपुट पर टू और गेट्स. This is for F1, this is for F2. ठीक है, नाउ अब F1 के लिए क्या है, 0, 1, 3 एंड 4. तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया. नाउ इसके लिए क्या है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेम फंक्शन यूजिंग PROM. थैंक यू.